अगर कैमरा क्वालिटी देखे और मोबाइल की क्वालिटी अगर देखे ना बहुत डिफरेंस है। आज हम लोग सोचे थे कि एक व्लॉग बनाएंगे, बट आज हम लोग एक टॉप टेन ट्रिकिंग कॉम्बोस का एक वीडियो बना रहे हैं। आज मैं बहुत ज़्यादा गिर रहा हूँ पानी की, एंड ऑल्सो ये नॉइज़ बहुत ज़्यादा आ रहा हूँ। तो हम लोग सोच रहे कि कल बनाएंगे व्लॉग। दिस इज द क्वालिटी ऑफ कैमरा, मतलब एक्चुअली हम लोग जब वहाँ पर बैठ के एक मोबाइल से थोड़ा सा छोटा मोटा एक वीडियो बनाए, उसके बाद हम लोग एक कैमरे से बना रहे हैं। एंड ऑलमोस्ट सब पूरा नॉइज़ खत्म हो चुका है, एंड हम लोग सोच रहे कि आज का जो व्लॉग था एक्चुअली हम लोग कल बनाएंगे। देखा जाएगा ये बहुत पुरानी जगह, हम लोग यहाँ पे प्रैक्टिस ऑलरेडी यहाँ पे कर चुके हैं, बट यहाँ का हाल इतना गंदा हो रहा है कि भाई आज हम लोग यहाँ पे वीडियो शूट करने वाले हैं एंड हमारे लगने वाले हैं। सो हे गाइस, दिस इज अचोन के, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। सो आज के इस वीडियो में हम लोग एक गोल सेट करने वाले हैं। लेट मी एक्सप्लेन गाइस कि एक्चुअली मैं क्या बोल रहा हूँ। 2021 तो कैसे कुछ ऐसे ही चला गया है, कुछ पता भी चला कि 2021 में हमने क्या किया। मेरे पास कुछ भी मेमोरीज नहीं है 2021 की। एक्चुअली अगर देखा जाए 2022 में कैसे हम लोग एक रेजोल्यूशन सेट करते हैं, इट मीन कि कैसे हम लोग एक गोल सेट करेंगे एंड उस गोल का अगर आप भी पार्ट बन सकते हो, इट मीन कि कैसे जो मेरी जर्नी होने वाली है उस जर्नी का पार्ट आप भी बनिए। एक सिंपल वे में अगर बोला जाए कि एक मैं कसम खाता हूँ कि मैं एक फ्लिपिंग लेवल में अपना एक अच्छा खासा लेवल बिल्डअप करने वाला हूँ। एंड ऑल्सो कैसे हमारे जिम ऑलरेडी चल रही है एंड ऑलमोस्ट हमें 2021 में ही कम से कम 8वें 9वें महीने से हमने स्टार्ट कर चुका था जिम एक्चुअली, और अभी 2022 स्टार्ट हुआ है एंड हम लोग उसमें और ज़्यादा हसल कर रहे हैं। तो मेन बात ये है कि लाइक आप अपने मैं अपने फ्लिप्स पे भी थोड़ा फोकस करने वाला हूँ, उसके बाद कैसे हम लोग जिम पे भी फोकस करेंगे। एंड थर्ड थिंग ये है गाइस कि फिल्म मेकिंग में भी थोड़ा ध्यान देना, इट मीन कि हम तीन चीज़ को मेंटेन करेंगे एंड ये तीनों चीज़ पर कैसे हम खुद को ऐसे इंप्रूव करते जाएंगे। जर्नी का पार्ट कैसे आप भी बनिए मेरे साथ, कैसे आप भी आगे बढ़िए। एंड वन मोर थिंग, कैसे हमारा जो एक लास्ट वीडियो था एक्चुअली लास्ट वीडियो में कमेंट अच्छा खासा कमेंट आ रहा था, वन थिंग आई रिकमेंड यू डोंट थिंक एज मच अबाउट योर इंजरी, मोर यू थिंक मोर डेज विल बी रिक्वायर्ड टू हील, सो डोंट टेक अ टेंशन। मतलब आपको कैसे अगर ऐसा लगता हो कि मैं थोड़ा टेंशन लेता आपके इंजरीज को लेके, लाइक ऐसा कुछ भी नहीं है एक्चुअली। एंड 6 मंथ्स पहले जो इंजरी एक्चुअली हुई थी वो टाइम पे डॉक्टर ने कहा था कि आपका एक छोटा सा एक माइनर सर्जरी होने वाली है, तो मैंने वो तक नहीं कराया एंड उसका ऑपरेशन तक होने वाला था एक्चुअली, तो मैंने ऑपरेशन भी नहीं कराया। बस मेरा माइंडसेट ये था कि मैं रिकवर करूँगा तो मैं खुद से करूँगा, बिकॉज क्या होता है कि आप अगर ऐसे एक सर्जरी कर लेते हो या फिर ऐसा कुछ अगर ऑपरेशन कर लेते हो तो वो लाइक कुछ ऐसा होता है, आप कितना भी फिर खुद को अपने लेग्स के एक स्ट्रेंथ को इंप्रूव करने के लिए आप कितना भी कुछ भी कर लो वो एक आर्टिफिशियल बन जाता है। मतलब आप अपने लेग्स को लेके कुछ नहीं कर सकते हैं, लाइक कुछ सिचुएशन ऐसी आ गई थी कि तुम अभी और फ्लिप्स नहीं कर सकते। तो मैंने कैसे खुद पे भरोसा रखा है, मैंने खुद का एक माइंडसेट ऐसा बना रखा कि मैं अगर इंजरी को अगर रिकवर करना है तो मैं खुद से करूँगा। तो मैंने उसी टाइम पे थोड़े दिन बाद ही मैंने जिम स्टार्ट किया था ताकि अपने मैं लेग को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर सकूँ एंड मैं फ्लिप्स कर सकूँ। तो धीरे धीरे कैसे हम फ्लिप्स करना स्टार्ट भी कर दिया था, बेसिक अभी भी स्टिल हम लोग बेसिक ही करते हैं। एंड अभी ऐसा फील आ रहा है कुछ दिनों से कि लाइक मेरा लेग ऑलमोस्ट रिकवर हो चुका है एंड अभी लाइक थोड़ा सा बस डर है मेरे अंदर कि अगर मैं फ्लिप्स अगर करता हूँ तो लाइक मुझे उसमें झटका उठ का ना पड़े। तो फुली सर मैं ऐसे बोल नहीं सकता एक्चुअली, मेरा लेग पूरा ठीक हो चुका है, बट जैसा भी है हम लोग ग्रो करेंगे। एंड यहाँ पे कैसे हमारा आज का एक छोटा सा वीडियो शूट है, हम लोग वीडियो शूट कम्प्लीट कर लेते हैं एंड उसके बाद कैसे हम लोग जाते हैं प्रैक्टिस करने के लिए मचाएंगे।